प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद बगावत और विरोध के सुर फूटने लगे। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट काटने पर विवाद छिड़ गया। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की और पार्टी के फैसले का विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता रघुवंशी के समर्थकों को कमलनाथ ने दो टूक जवाब दे दिया। दरअसल सोमवार को कमलनाथ के बंगले पर शिवपुरी से आए वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक पहुंचे थे और मांग कर रहे थे कि वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट दिया जाए। इस दौरान कमलनाथ से रघुवंशी समर्थकों की बातचीत का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता इस वीडियो को जमकर वायरल कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की ओर से जारी किए गए वीडियो में कमलनाथ बोलते दिख रहे हैं, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप वीरेंद्र की बात मत कीजिए, मैंने उसे ज्वाइन करवाया है। केपी सिंह ने कहा कि मेरी दिग्विजय सिंह से बात हो गई है। दिग्विजय सिंह बोले कि मेरी केपी सिंह से बात हुई है। बाद में कहते हैं कि अरे ऐसा तो हमने समझा नहीं था। मैंने कहा कि अब तुम लोग समझ लो, कल शाम को मैंने दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया है। केपी सिंह शिवपुरी क्यों जाए, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। मैं तो खुद वीरेंद्र के सामने शर्मिंदा हुआ। मुझे रघुवंशी समाज को टिकट देना है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। शिवपुरी की बात दिग्विजय सिंह जयवर्धन से करेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा वो करेंगे। वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं जानते उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे क्या समझाने आए हो, अब जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। मतलब वीडियो में वीरेंद्र रघुवंशी समर्थकों से कमलनाथ बोलते दिख रहे हैं कि इस बारे में अब वो दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह से बात करेंगे। बता दें इस पूरे वाकये का वीडियो अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए लिखा, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अरे कमलनाथ जी, आप तो कपड़े फड़वाने पर ही उतारू हो गए। खैर आप भी क्या ही कर सकते हैं जब पूरी कांग्रेस ही दो फाड़ हो गई है। इंटर 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।